हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निधि गुप्ता, वर्किंग एज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट स्किना स्किन क्लिनिक जयपुर। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे आकर के पूछते हैं कि विंटर्स में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि उनकी स्किन हेल्दी और यंग रहे। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे विंटर स्किन केयर रूटीन के बारे में। विंटर्स में जो हवा चलती है काफ़ी ठंडी हवा होती है, लेकिन उसमें नमी की बहुत कमी होती है, उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। इसी कारण से विंटर्स में जो हवा चलती है हमारी स्किन से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है। जब हमारी स्किन का मॉइस्चर वो हवा अब्जॉर्ब कर लेती है तो हमारी स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है। इसी कारण से विंटर्स में हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है। तो इस ड्राइनेस को काउंटर करने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, बट और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाथ के बारे में। विंटर्स में जब हम नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है कि हम गर्म पानी से सर्दियों में नहा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बट उससे आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आपको गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी या ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करना है। इसके साथ साथ विंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं नहाना है। विंटर्स में जब हम नहाने जाते हैं तो हमें गर्म पानी अच्छा लगता है, तो कई बार हम ज़्यादा लंबा नहा लेते हैं, बट इस कारण से भी आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। विंटर्स में आपका जो बाथ पीरियड होता है वो शॉर्ट रहना चाहिए। जब हम नहाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हार्श सोप यूज़ नहीं करना है, जेंटल सोप या क्लेंजिंग लोशंस आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप नहा के आते हैं तो आपको, जब आप अपने शरीर को पोंछते हैं तो बहुत ज़्यादा विग्रसली रब करके आपको नहीं पोंछना है, जेंटल एक पैड ड्राई करके आपको अपनी स्किन को पोंछना है। विदिन अ मिनट आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। जैसे जैसे विंटर्स आते हैं, हम समर से विंटर्स में पहुँचते हैं, तो हमारा मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम्स होती हैं वो भी बदल जाती हैं, मॉइस्चराइजर्स हमारे बदल जाते हैं, हम लोशन से क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग करने से आपकी स्किन की जो नमी है वो बरकरार रहती है और आपकी स्किन हेल्दी रहती है। इसके साथ ही अगर आप कवर्ड क्लोथिंग पहनेंगे तो आपकी बॉडी का जो मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है वो नहीं होगा। तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं, कवर्ड क्लोथिंग्स आपको प्रिफर करनी है। इसके साथ जैसे ही विंटर्स आते हैं हमें थोड़ा सा धूप में बैठना अच्छा लगने लगता है। जितना हम समर में धूप से बचते हैं उतना हम विंटर्स में नहीं बचते, क्योंकि वो गर्माहट हमें अच्छी लगती है। बट ये गर्माहट या आपका सन एक्सपोजर अगर ज़्यादा होता है तो ये आपकी स्किन को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको ड्राइनेस भी बढ़ेगी, आपको टैनिंग भी स्किन में होगी और आपको एजिंग के साइंस जो हैं वो भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कई पेशेंट्स धूप में बैठने से फोटो एलर्जीज लेके आते हैं, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपको अपना सन एक्सपोजर कम रखना है। इसके साथ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ फॉर 12 मंथ्स यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। आपको ये नहीं देखना है कि सर्दी है या गर्मी है या बारिश है, सनस्क्रीन आपको रेगुलरली अप्लाई करना है। नॉर्मली लोगों को ये मिथ रहता है कि अब सर्दियाँ आ गई, अब हमें सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट आपको सर्दी में भी होती है और आपको सर्दियों में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ विंटर्स में जो आपके वूलन क्लोथ्स होते हैं तो वो आपको डायरेक्टली नहीं पहनने हैं। कई बार जो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं उससे एलर्जीज बढ़ जाती हैं, या अगर किसी को एलर्जी नहीं है तो उसको एलर्जी हो भी सकती है। तो आपको हमेशा अंदर कॉटन के कपड़े पहनने हैं और कॉटन के कपड़े के ऊपर आप जो भी आपके वूलन वेयर हैं, विंटर वेयर हैं, उसके बाद आपको वो पहनना है। तो आपकी स्किन में ड्राइनेस भी कम होगी और आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। विंटर्स में बॉडी की ड्राइनेस के साथ साथ हैंड्स और फीट की ड्राइनेस एंड स्पेशली लिप्स की ड्राइनेस भी बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने कई सारे पेशेंट्स को देखा है आजकल आते हुए जो कि लिप ड्राइनेस के साथ आते हैं और वो साथ में उसको काउंटर करने के लिए लिप लिकिंग करते रहते हैं। कंटिन्यूसली वो लिप को लिकिंग करते रहते हैं इस तरह से या इस तरह से। ये सारे मूवमेंट से आपकी जो लिप ड्राइनेस है वो कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी। इनफैक्ट आपको लिप्स के आसपास एलर्जी भी डेवलप हो सकती है। तो अगर आपको लिप ड्राइनेस है तो आपको एक प्रॉपर लिप बाम या लिप केयर यूज़ करना है। आप नॉर्मल घर पे जो वैसलीन अवेलेबल होती है आप वो भी लगा सकते हैं, बट यू विल हैव टू अप्लाई इट रिपीटेडली। लिप लिकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही आपको अपने हैंड्स और फीट्स का ध्यान रखना है। एड़ियाँ फटती हैं लोगों की, तो आपको बेयरफुट वॉक नहीं करना है। कोशिश करिए कुछ मॉइस्चराइज़र लगा के, सॉक्स पहन के ही आप घर में घूमें।
विंटर्स में हमारा जो हॉट बेवरेजेस होते हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनका कंसम्पशन भी बढ़ जाता है. हमें गरम गरम कॉफ़ी या चाय लेना अच्छा लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसका कंजम्पशन लिमिटेड रखें. जितना इसको कट ऑफ कर सकते हैं, जितना इसको कम रख सकते हैं उतना कम रखें. वन कप ऑफ टी और वन कप ऑफ कॉफ़ी इज सफिशेंट. बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेने से भी आपकी स्किन एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है. इसके साथ ही कॉफ़ी या टी में आपका शुगर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, तो ये भी आपकी स्किन को एडवर्सली इफेक्ट करता है. तो आई वुड सजेस्ट कीप इनटेक ऑफ योर कैफिनेटेड ड्रिंक्स लिमिटेड. इसकी जगह आप हॉट वाटर कंज्यूम कर सकते हैं. अगर आपको कुछ गर्म पीने का मन कर रहा है तो यू कैन गो फॉर सम सूप्स और जस्ट प्लेन हॉट वाटर यू कैन हैव. तो विंटर्स में आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रख सकते हैं. आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. आज हमने जो भी छोटी छोटी टिप्स आपको बताई हैं, जो भी स्किन केयर रूटीन आपको बताया है, आप उसको फॉलो करेंगे और यू सी द रिजल्ट, यू विल हैव हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन. थैंक यू.